बहुत बहुत स्वागत है आपका गणित के वर्ग में। आज हम एक विशेष टॉपिक के साथ आपके बीच में हैं। वह विशेष टॉपिक है त्रिभुज का केंद्र। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र और त्रिभुज के केंद्र के, तो त्रिभुज के केंद्र की जब बात की जाएगी, त्रिभुज से जुड़ा मुख्यतः पांच केंद्र होते हैं। त्रिभुज का अंतः केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र, वज्रकेंद्र। तो इस टॉपिक विशेष में हम इन केंद्रों की के संदर्भ में जाएंगे। अंतः केंद्र कहते हैं किसको, परिकेंद्र किसे कहते हैं, लंब केंद्र किसे कहते हैं, बहिर्केंद्र किसे कहते हैं, और इनसे जुड़े हुए जो अन्य तथ्य हैं, इनसे जो डेरिवेशन प्राप्त होता है, इसको हम जानेंगे। तो बारी बारी से हम शुरू करते हैं अंतः केंद्र पर। इन केंद्रों को जानने से पहले थोड़ा सा हम इसमें जिन टर्म का उपयोग करेंगे उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर ये त्रिभुज एबीसी है तो जहां कहीं भी हम कैपिटल लेटर में ए लिखे, ये ए बी सी ये त्रिभुज के शीर्ष है, और हम इसमें जब कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो एंगल को सूचित करेगा, कोण को सूचित करेगा। जब बीसी के ए शीर्ष ए के ठीक सामने साइड है बीसी, बीसी साइड को हम लोग स्मॉल लेटर से सूचित करेंगे, और क्या स्मॉल ए किसी साइड को शीर्ष के ठीक, यानी जो उसके ठीक अपोजिट शीर्ष होता है उसके स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। स्मॉल ए ये होगा हमारा स्मॉल बी और ये होगा हमारा स्मॉल सी। तो जहां कहीं स्मॉल ए हो, जहां स्मॉल बी हो, स्मॉल सी हो, हमें समझ लेना है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यानी स्मॉल लेटर में भी सी साइड्स का सूचक है और कैपिटल लेटर में भी सी एंगल का द्योतक है। अब एक और चीज हम लोग एस लिखा हुआ देखेंगे। एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, थोड़ा बहुत हम लोग ज्योमेट्री में या मेंसुरेशन में देखे होंगे, अर्ध परिमिति को एस से सूचित करते हैं। और अर्ध परिमिति परिमिति का आधा, परिमाप का आधा, परिमाप होता है घेरा का माप। त्रिभुज तीन भुजाओं का घेरा है, तीनों भुजा की लंबाई का योग परिमाप और उसका आधा कर दो, अर्ध परिमाप। एस बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। इस तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर टू एस। तो यानी ये टर्म्स हैं, कुछ ध्यान में रखना, एस स्मॉल ए कैपिटल ए, ये हम उपयोग करेंगे तो इसके क्या अर्थ होंगे इसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद अब हम आते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र पर। त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं इसको, अंतः केंद्र नाम से स्पष्ट है, ध्यान में रखना है। पूछता है कई बार, बहुत तरह के प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है, लंब केंद्र कहां होते हैं, केंद्रक कहां होते हैं, परिकेंद्रक कहां होते हैं, गुरुत्व केंद्र कहां होते हैं। हम अभी अंतः केंद्र की बात कर रहे हैं। अंतः केंद्र त्रिभुज चाहे जैसा भी हो, न्यून कोण हो, समकोण हो, अधिक कोण हो, अंदर में ही होता है। त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर भी होता है, वो कभी बाहर नहीं होता है, त्रिभुज के अंदर ही होता है। और न्यून कोण त्रिभुज का अंतः केंद्र कहां होगा, त्रिभुज के अंदर। अधिक केंद्र का कहां होगा, त्रिभुज के अंदर। समकोण का कहां होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अंदर ही होता है। अब ये किसे कहते हैं, तो ध्यान से हम परिभाषा को समझेंगे। किसी त्रिभुज को यदि ये भी सी त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक, इस कोण को समद्विभाजित कीजिए, इस कोण को समद्विभाजित कीजिए, इस कोण को समद्विभाजित कीजिए, त्रिभुजों के अंतः कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है अंतः कोण समद्विभाजक का मिलान बिंदु, अंतः कोण समद्विभाजक का मिलान बिंदु ये कहलाता है, का मिलान बिंदु ये है हमारा अंतः केंद्र। अंतः केंद्र की परिभाषा क्या होती है, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं, इन सेंटर, सुविधा के लिए किसी से भी सूचित कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आई से सूचित करने से फायदा होगा आपको। जब हम अन्य सेंटरों का एक दूसरे से रिलेशन करेंगे तो उसे समझने में सहूलियत होगी। अंतः केंद्र को हम आई से सूचित करते हैं। अब इसके अंतः केंद्र किसी त्रिभुज का जो होता है वह तीनों भुजाओं से लंबी दूरी से,
तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। समान दूरी मतलब लंबवत दूरी, समान लंबवत दूरी। अर्थात यहां से अगर हम लंब डालें बीसी पर, तो ये जो लंब की लंबाई हो, इस पे जो डालें वो लंब की लंबाई हो, ये लंब की लंबाई, तीनों बराबर होगा। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। अब उस बिंदु से भुजा पर हम लंब डालेंगे, उसको त्रिज्या मानकर अगर वृत्त खींचा जाए, तो वह वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूकर गुजरेगा, जिसे त्रिभुज का अंतः वृत्त कहते हैं। अगर हम से त्रिभुज के अंतः वृत्त की परिभाषा पूछी जाए, तो वह वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूकर गुजरता है, उसे त्रिभुज का अंतः वृत्त कहते हैं। अंतः वृत्त त्रिभुज का आई से सूचित होगा, सॉरी अंतः केंद्र होगा उसका, अंतः वृत्त की एक त्रिज्या होगी, अंतः वृत्त की त्रिज्या को अंतः त्रिज्या कहते हैं। अंतः त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से सूचित करेंगे, इन रेडियस। ध्यान रखना है, आगे इसका हम देखेंगे इन रेडियस। इन रेडियस को हम लोग सूचित करेंगे किससे, आर से। हम समझते हैं कि आर अंश में आ गया होगा, और अब हमको देखना है आर निकालना होता है। आर कैसे निकालें, किसी त्रिभुज में भुजा दिए रहेंगे, कोण दिए रहेंगे, अलग अलग स्थिति होगी, निकालने के लिए क्या दिया रहेगा, इस पर हमें ध्यान रखना है। अगर त्रिभुज की तीनों भुजा दिया रहे और तब हमें आर निकालना, उसका रिलेशन हम लोग विशेष रूप से ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, जब हम विस्तार से इसका पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमें यह देखना है, तो तीनों भुजा दिया रहे और एरिया निकालना हो, सॉरी इन रेडियस निकालना हो, अंतर त्रिज्या निकालना हो, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसके अर्ध परिमाप से भाग देते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो फॉर्मूला याद कीजिए, एरिया बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहां कहीं भी ये लिखा हुआ है, इसका अर्थ हमको समझ लेना है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो त्रिभुज का की अंतर त्रिज्या आर, एरिया। अब अगर ऐसा हो कि अर्ध परिमिति यानी कैस दिया हो, एक साइड दिया हो और साइड के ठीक अपोजिट एंगल दिया हो, एक साइड यानी अगर बीसी साइड दिया हो तो बीसी के साथ ठीक अपोजिट एंगल अर्थात की एंगल ए दिया हो, उस स्थिति में जो साइड दिया है एस माइनस गिवन साइड, एस माइनस गिवन साइड इंटू टेन, और वर्टिकल एंगल जो अपोजिट वर्टिकल एंगल होगा उसका टेंजेंट टेन होगा, हाफ एंगल टेन ए बाई टू, एस माइनस ए टेन ए बाई टू, बी दिया है तो एस माइनस बी टेन बी बाई टू, सी दिया है तो एस माइनस सी टेन सी बाई टू। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करना है हमको, जब तीनों भुजा दिया रहे, इसका कब इस्तेमाल करना है, जब परिमिति दिया हो और एक भुजा दिया हो, एक शीर्ष कोण सामने का दिया हो, जब तीनों एंगल दिया और आर, आर यहां हम आगे आर का जिक्र करेंगे, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर का अर्थ होता है सरकम रेडियस, आगे हम रिलेशन देखेंगे परित्रिज्या, इसकी चर्चा अभी आगे होगा, इसी में हम जब परिकेंद्र पढ़ेंगे तो, लेकिन फिलहाल देखना है सरकम रेडियस है कोण आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ये कब इस्तेमाल करेंगे, तीनों एंगल दिया होगा। सिमिलरली इसी का डेराइव रूप है ट्रिग्नोमेट्री में, देखना पड़ता है उसको विशेष रूप से, आगे त्रिकोणमिति की क्लास में पढ़ेंगे। तो हमें मूल रूप से ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, अभी हम अंतः केंद्र के बारे में फिर से एक बार ध्यान देखते चले। अंतः केंद्र त्रिभुज के तीनों भुजाओं की तीनों अंतः कोणों के समविभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। तीनों अर्ध कोणों के समविभाजक, इसे आगे से सूचित करते हैं, ये तीनों भुजाओं से समान दूरी पर अवस्थित होता है, समदूरस्थ होते हैं, इनको केंद्र और इनसे भुजा के दूरी को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचने पर ये तीनों भुजाओं को छूकर गुजरती है। त्रिभुज का अंतः वृत्त ऐसे भी देखे, स्पर्श रेखा में हम लोग जानते हैं इस प्रकार से वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, उस दृष्टिकोण से भी हम इसको देखते तो ये लंब होता। एक बात और हमें अंतः केंद्र में देखना है, जब इसके शीर्ष के नियामक दिए हो, ए का नियामक है x1 y1, बी का नियामक है
एक्स टू वाई टू और सी का नियामक है एक्स थ्री वाई थ्री। अब यहां पूछा गया था आई का नियामक, आई का ये हमने स्पेशल टॉपिक ही क्रिएट किया है जिसमें कि अंतःकेंद्र से जुड़े तमाम बिंदुओं को एक साथ किया गया है, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट में हमें पढ़ना होगा उसको भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। अब इसमें हम आई का कोऑर्डिनेट यहां से देखें, हाँ हम जो लिखेंगे उसका कोऑर्डिनेट होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसे स्मॉल ए जिक्र हमने किया है, इसी से लगे ये हो जाएगा स्मॉल बी और ये हो जाएगा स्मॉल सी। ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और इसी सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट तो ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रकार से ये हमारा था अंतःकेंद्र से जुड़ा हुआ अंतःकेंद्र, अंतःवृत्त और अंतःत्रिज्या इससे जुड़ा हुआ। अब हम आगे देखते हैं अंतःकेंद्र के बाद दूसरा जो केंद्र है केंद्र जिसे हम लोग वृत्त केंद्र कहते हैं। अब अंतर केंद्र के बाद हम आते हैं केंद्रक पर, त्रिभुज के केंद्रक पर, त्रिभुज एबीसी इसका केंद्रक किसे कहते हैं। केंद्रक से पहले हमें शब्द समझना पड़ेगा माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका को अंग्रेजी में मीडियम कहते हैं। यह एक त्रिभुज है, ये शीर्ष है, इसके ठीक सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु शीर्ष से शीर्ष और मध्य बिंदु सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका की परिभाषा ध्यान में रखना है आपको, त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज में माध्यिका तीन स्वाभाविक है शीर्ष तीन भुजा तीन भुजा के क्या कहते हैं मध्य बिंदु तीन, जैसे यहां बीसी का मध्य बिंदु एल, एसी का मध्य बिंदु एम और एबी का मध्य बिंदु एन, शीर्ष से ए से एल को मिलाया ए एल एक माध्यिका, बी से एम को मिलाया बी एल एक माध्यिका और सी से एन को मिलाया तो सी एल एक माध्यिका। इस प्रकार से ए एल बी एन सी एन माध्यिका और इन तीनों माध्यिकाओं का मिलान बिंदु केंद्रक कहलाता है, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। परिभाषा ध्यान से देखना हमें, त्रिभुज के माध्यिकाओं का मिलान बिंदु केंद्रक कहलाता है, इसे प्रायः सामान्यतः जी से सूचित करते हैं। वैसे हमने पहले ही कहा है प्रायः सामान्यतः अनिवार्यतः नहीं, इसे जी से सूचित करते हैं माध्यिका को जी से सूचित करते हैं। अब यहां सवाल उठता है माध्यिका की विशेषता क्या है। पहली बात तो ध्यान में हमें यह भी रखना है कि जिस प्रकार से अंतःकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता उसी प्रकार से केंद्रक और वृत्त केंद्र भी त्रिभुज के अंदर ही होते, बाहर नहीं जाते हैं अर्थात ना अंतःकेंद्र बाहर जाते हैं ना वृत्त केंद्र या केंद्रक बाहर जाते हैं। अब त्रिभुज की माध्यिका और त्रिभुज के केंद्रक के बीच में एक रिश्ता रहते बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र त्रिभुज का केंद्र त्रिभुज की माध्यिका को दो अनुपात एक में बांट देता है, त्रिभुज का केंद्र त्रिभुज की माध्यिका को दो अनुपात एक में बांटता है, यानी ये जी ए ये ए बी माध्यिका है जी मिड पॉइंट है तो ये टू पार्ट होगा टू के तो ये होगा के, यानी अगर इसको हम मानेंगे तीन सी एम तो इसको आधा कर दीजिए या इसको अगर हम टू सी एम माने तो ये हो जाएगा सिक्स सी एम, अर्थात इतना नीचे वाले का कहां से आपको देखना है मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से देखिएगा तो मिड पॉइंट से जो निचला पार्ट है ये अगर के है तो ऊपर वाला पार्ट होगा टू के, अर्थात त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज की माध्यिका को दो अनुपात एक में बांटती है। महत्वपूर्ण थ्योरम है, हम लोग जब ज्योमेट्री में इसका जिक्र करेंगे तो इसे इसका हम देखेंगे कि ये कैसे होता है, लेकिन हमें यहां ध्यान में रखना है क्योंकि इससे हमें जुड़े हुए प्रश्न या इससे जुड़ी चीजें हमें पढ़ने को मिलेगी। अब इसके बाद है
कि जब त्रिभुज के सिरसों के नियामक दिए गए हो तो माध्यिका का नियामक कैसे ज्ञात, सॉरी केंद्रक का नियामक हम कैसे ज्ञात करते हैं? ये देखिए ए कोऑर्डिनेट इसका एक्स वन वाई वन, बी कोऑर्डिनेट इसका एक्स टू वाई टू, और सी इसका कोऑर्डिनेट एक्स थ्री वाई थ्री। अभी हमने जिक्र किया है कि माध्यिका के मिलान बिंदु, पहले माध्यिका मध्य बिंदु देखें, एम एन इसको एल मान लीजिए, सुविधा एक ऑर्डर में हो जाएगा, एम एन माध्यिका हो जाएगी ए एल बी एम सी एन, ये हो जाएंगे केंद्र। अब सबसे पहले हम एल को देखते हैं, एल क्या है? बीसी का मध्य बिंदु। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के अनुसार मध्य बिंदु का नियामक हम कैसे निकालेंगे? एल का नियामक एल, तो त्रिभुज सॉरी क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री कहता है ये पास मध्य बिंदु है तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ऐसे अगर ये एम हो और ये पार्ट एन हो, इधर x1 y1 हो, इधर x2 y2 हो, तो इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट m इंटू ये n इंटू ये और प्लस यानी m इंटू x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से अगर हम L का नियामक देखते, L मिड पॉइंट है अर्थात M बराबर N, जब M बराबर N बैठे होंगे तो L का कोऑर्डिनेट हो जाता हमारा X2 प्लस X3 by 2 और Y2 प्लस Y3 by 2। अब उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा इधर से देखिए, अब यहां है हमारा A X1 y1 l x2 plus x3 by 2 y2 plus y3 by 2 और यहां है हमारा g। और अभी हमने कहा है कि 2 is to 1, ये 2 ये पार्ट ये तो ये पार्ट 2 है ये पार्ट 1 है। तो अब इसका x कोऑर्डिनेट हम देखें, g का x कोऑर्डिनेट ऑफ g, इसी को ध्यान में रखना है हमको, तो 2 इंटू ये और 1 इंटू ये बटा 2 बड़ा सॉल्व है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें x1 को 1 इंटू एक्स वन अपॉन टू प्लस वन। ये जो अभी हमने कहा कि एम प्लस एन ऊपर वाला जो फॉर्मूला है अंत विभाजन सूत्र को नियामक ज्यामिति में हम लोग जब पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट का पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पढ़ेंगे तो हम समझेंगे अंत विभाजन और बहिर विभाजन की स्थिति में कैसे नियामक ज्ञात किए जाते हैं। फिलहाल दो से दो कैंसिल हो गया, ये आ गया क्या एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री by 3। इसी प्रकार से अगर हमको y कोऑर्डिनेट अगर निकालना रहता तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ यानी y कोऑर्डिनेट इसका निकालते तो होता y1 plus y2 plus y3 by 3। अब अगर हमसे पूछा जाता g का कोऑर्डिनेट क्या होगा तो g का कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट जब सिर्स के नियामक दिए हो तो जी का कोऑर्डिनेट उन सबको हटाकर हम जी का कोऑर्डिनेट ध्यान में रखते हैं। जी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। इस प्रकार से अगर हमें त्रिभुज के तीनों सिर्स के कोऑर्डिनेट दिए हो तो इससे हम त्रिभुज के केंद्रक के कोऑर्डिनेट ज्ञात कर सकते हैं। इसे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको फिर से एक बार बताते चले, माध्यिका का मिलान बिंदु केंद्रक होता है,
माध्यिका शीर्ष से सामने की भुजा का मध्य बिंदु होता है। माध्यिका के मिलान बिंदु केंद्रक को प्रायः जी से सूचित करते हैं और अगर त्रिभुज एबीसी में ए के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, बी का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, सी का कोऑर्डिनेट एक्स थ्री वाई थ्री हो तो जी का कोऑर्डिनेट सामने, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट का योगफल बाई थ्री और तीनों वाई कोऑर्डिनेट का योगफल बाई थ्री, ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट होता है। इसके बाद हम आगे जब देखेंगे तो फिर माध्यिका की लंबाई कैसे निकाली जाती है, भुजा से केंद्र की दूरी कैसे होती है, इसकी चर्चा आगे होते रहेगी। एक महत्वपूर्ण थ्योरम जो माध्यिका और त्रिभुज की भुजाओं से जुड़ा हुआ है उसको हम थोड़ा सा देखते चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है हमको। सीधे सवाल उससे पूछे जाते हैं, पूछ कीजिए, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजा है ए, ये बी और ये सी, ये इसकी माध्यिका है, ये माध्यिका है और ये माध्यिका है, ये है जी, माध्यिका ए एम बी एम सी एम। ए एम को हम मान लेते हैं एक्स, बी एम को मान लेते हैं वाई और सी एम को मान लेते हैं जेड। तो थ्योरम कहता है त्रिभुज के माध्यिकाओं के वर्गों का जोड़, माध्यिकाओं के वर्गों का जोड़, यानी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन त्रिभुज के भुजाओं को वर्ग के वर्गों का जोड़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर थ्री बाई फोर। अब इसे देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप, माध्यिकाओं का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्रतियोगी युग है, कई रूप में पूछा जाता है और जितने भी रूप हो सकते हैं संभव उसको हम इस तरह से देखते हैं। पहला तो हमें ध्यान में रखना है त्रिभुज, किसी त्रिभुज एबीसी में या कोई भी त्रिभुज हो उसमें माध्यिकाओं के वर्गों का जो भुजाओं के वर्गों का जो इन दोनों का अनुपात तीन अनुपात चार होता है, यानी माध्यिकाओं के वर्गों का जो अनुपात भुजाओं के वर्गों का जो तीन बाई फोर। लेकिन पलट दीजिए, अगर भुजाओं ऊपर माध्यिका नीचे, भुजाओं के वर्गों का जो और माध्यिकाओं के वर्गों के जो का अनुपात पूछा जाए तो हमारा उत्तर होगा फोर इशू थ्री। कई बार पलट के ऐसे भी पूछता है त्रिभुज के माध्यिकाओं के वर्गों के योग का चार गुण, त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों के योग के तीन गुने के बराबर होता है। तो ये था हमारा माध्यिका से जुड़ा हुआ ये भी थ्योरम है जिसकी चर्चा हम ज्योमेट्री में इसका विस्तार से प्रूफ देखेंगे। फिलहाल केंद्रक वृत्त केंद्र में इतना ही इसे ध्यान में हमें रखना है, लेकिन अभी इसी में हम लोग इसके लंबाई जो होता है उसका माध्यिका की लंबाई, अंतर त्रिज्या की लंबाई और इन लंबाइयों के बीच में उसके रिश्ते, जी का आई से दूरी क्या होगा, किसी त्रिभुज में केंद्र आई से कितना दूर होता है, किस त्रिभुज में कहां होता है, कैसे होता है, इस सब की कहानी जारी रहेगी। थोड़ा सा लंबा होने के कारण हम इसको थोड़ा संक्षिप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे आपके बीच में जब शीर्ष तीनों केंद्र और इन केंद्रों के बीच की दूरी और आपस में संबंधों की कहानी